सो हेलो पीपल, तो देखो यार जैसे सर्दियाँ आ चुकी हैं तो सब लोगों को सबसे पहले हैप्पी ठंडी और मुसलमान भाइयों को सर्दी मुबारक। तो अगर तुम सोच रहे हो तो ज़्यादा मत सोचो यार, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आज भी यही सब मैसेजेस आ रहे हैं ब्रो। अगर तुमको ये क्रिंजी लगता है तो चलो मैं तुमको और दिखाता हूँ। मत ढूंढना मुझे जहाँ की तन्हाई में, ठंड बहुत है मैं हूँ अपनी रजाई में। मतलब वाह यार वाह, सर्दी में दिन सर्द मिला, हर मौसम बेदर्द मिला। ये सुनने के बाद तो मैं 2 सेकंड तक रोया यार। सो यार हमारा आज का टॉपिक है विंटर्स, और विंटर सुनते ही हमारे मन में बहुत सारी इमेजिनेशन आने लगती हैं। मतलब इस समय बच्चे अपने पेरेंट्स से नए स्वेटर के लिए बोल रहे होंगे, बाद में उन्हें पुराना स्वेटर पहन के ही स्कूल जाना पड़ेगा। और जैसे कि तुम्हारे घर में भी यार पुराने स्वेटर्स निकल चुके होंगे, जिनकी खुशबू से और नेफ्थलीन की गोलियों से तुम ना सस्ते नशे कर सकते हो यार। सो भाई देखा जाए तो विंटर से लड़ने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं यार। मतलब अगर तुम कपल्स को देख लो तो उन्हें हर चीज़ में फ़ायदा होता है, और ठंडी में भी कुछ लोगों को सिगरेट से गर्मी आती है, कुछ ठरकियों को दारू वारू चाहिए होती है यार, पर कुछ सीधे साधे लोगों को चाय से काम चलाना पड़ता है। दोस्तों देखा जाए तो फैमिली मेंबर्स का बिहेवियर भी ना मौसम जैसे चेंज होता है। तो आओ यार मम्मी से पूछते हैं ठंडी के बारे में। मम्मी जी बोलो बेटा जी, क्या पूछना है आपको? मैं पूछ रहा था विंटर्स के क्या प्लान है यार इस बार। बेटा मैं कुछ पूछ सकती हूँ आपसे अगर आप बोलो? ऑफ कोर्स मॉम, आप पूछ सकती हो। बेटा मैं बोल रही थी बंदा टोपा कब से पहनेगा? दोस्तों मैं तो सोच रहा था मैं टोपा पहन के चला जाऊँ स्कूल, पर वहाँ पे लड़कियों को क्या शक्ल दिखाऊंगा यार, ऐसे तो लड़की पटने से रही। सच पूछो जो मम्मी मेरा घर बसते हुए नहीं देखना चाहती। वैसे मम्मी को भी क्या पता यार, घर के बड़े बुजुर्गों से पूछते हैं। आओ दद्दू। क्या हुआ बेटा, क्यों गान फाड़ रहे हैं? सॉरी व्हाट? अरे मैं बोल रहा हूँ क्यों कान फाड़ रहा है? कान देखे तेरे कान फट गए, सुनाई भी नहीं दे रहा। हा, 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 हा। अरे मैं पूछ रहा था विंटर्स के क्या प्लान है यार आपके? अरे बेटा विंटर्स का हमारा प्लान नहीं होता, रोज 4 बजे उठे, ठंडे ठंडे पानी से नहाए, चाय पिए, खाना खाए और दिन भर सोए रहे राम का नाम लेके। कुछ कर लिया करो यार, 4 पैसे आएंगे घर में। अरे बेटा पैसों का लालच होता तो अपने भाइयों से जमीन के लिए नहीं डरते, वो भी तुम्हारे हिस्से की, बताओ। तो आपने केस क्यों नहीं किया उन पे? अरे बेटा केस करते क्यों, पैसों की लालच थोड़ी न थी, और ऊपर से तुम्हारी मम्मी का दहेज किस काम आता? चुप रहो यार, सब कुछ नहीं बताना होता यहाँ पे। दोस्तों मुझे लगता है ना मौसम के साथ साथ इंसान भी बदलता है, इंसान की पर्सनैलिटीज भी ना मौसम के साथ बदलती जाती हैं यार। पूछा किसी ने नहीं पूछा। ओके तो अगर मैं अपने पर्सनल बात करूं यार, तो ठंडियों में ना मेरे होंठ बहुत ज़्यादा फट जाते हैं, जिस वजह से ना मुझे वैसलीन, बोरो प्लस और लिप बाम लगाना पड़ता है, जिस वजह से मुझे कोरियन लौंडों जैसा फील होता है। इस बहाने चलो लड़कियों की ज़्यादा अटेंशन मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। ठंडियों में कभी कभी किसी के होंठ फटते हैं तो कभी कभी किसी की गाल फट जाते हैं यार। दोस्तों सच पूछो तो मैं चाहता हूँ इस ठंड में ना तुम लोग कुछ अच्छी अच्छी यादें बनाओ यार, और सबसे अच्छी याद तो तुम लोग ये बनाओ कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी ठीक है यार। तो आप लोग एटलीस्ट कमेंट तो कर सकते हो यार, अच्छा या बुरा जो भी आपके मन में हो, बस कमेंट कर दो, जस्ट लीव अ कमेंट। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।